नमस्कार साथियों, मैं हूं विजय विद्रोही, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं अनकट। और यूपी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बीजेपी के खेमे से खबर आ रही है कि बीजेपी के हर तीसरे विधायक का टिकट कट जाएगा। 312 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी और इस बार कहा जा रहा है कि कम से कम 100 लोगों की टिकट नहीं दिया जाएगा दोबारा से। अब कुल मिलाकर गुजरात से भी ऐसी ही खबर आ रही है कि 182 सीटें हैं कुल विधानसभा की, 100 सीटें 99 सीटें बीजेपी ने जीती थी और बीजेपी कह रही है कि कुल मिलाकर 100 सीटों पर वो नए उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, यानी ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पिछली बार चुनाव में नहीं लड़े। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या विधायकों के टिकट काटने से, नए लोगों को मौका देने से सरकार की सत्ता में वापसी आसान हो जाती है, या अगर आप विपक्ष में हैं तो सत्ता में आना आसान हो जाता है। इस बात की हम आगे विवेचना करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, कि 100 विधायकों के टिकट काटे जाने की बात है। जाहिर तौर पर इसमें कुछ मंत्री भी शामिल होंगे। अब ये जिनके टिकट काटे जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? सपा में जाएंगे, बसपा में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, बागी बन जाएंगे या पार्टी विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हो जाएंगे, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मोटे तौर पर 403 की विधानसभा है, इसमें से 312 बीजेपी ने जीते थे, उनके सहयोगियों के साथ मिलाकर 325 सीटें थी। तो 312 में से 100 सीटें कम नए उम्मीदवार होंगे, 100 ये हो गए। तो बाकी 78 सीटें ऐसी थी जो विपक्षी दलों के पास गई थी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। तो 78 सीटों में जो बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हुए थे, जो चुनाव हार गए थे, जाहिर तौर पर उनको टिकट मिलने वाला नहीं है। अगर उसमें से 50-60% का टिकट कट जाता है तो कुल मिलाकर करीब 150 नए उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। गुजरात में बीजेपी के खेमे से खबर आ रही है कि 100 नए उम्मीदवार उतारेंगे, उसमें 40% महिलाएं भी हो सकती हैं। इससे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक तो एंटी इनकम्बेंसी दूर करने में थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाएगी, दूसरा कांग्रेस का जो हथियार है कि हम 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं, उसका भी तोड़, उसकी भी काट निकल जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर टिकट क्यों काटा जाता है? उत्तर प्रदेश के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे कुछ विधायकों का टिकट काटा जाएगा जो दूसरी पार्टी से आए थे और 5 साल में भी पार्टी की विचारधारा के साथ घुलमिल नहीं गए। पहली बात तो दूसरी पार्टी के लोगों को लिया ही क्यों जाता है? जाहिर तौर पर विचारधारा का दूसरी विचारधारा में घुलने मिलने में वक्त लगता है और आप अपना स्थानीय जो कार्यकर्ता होता है, जो टाट दरी बिछा रहा होता है, जो कि कुर्सियां बिछा रहा होता है, उसके साथ आप कहीं ना कहीं अन्याय करते हैं, इस बात का भी सवाल लोग उठाते रहे हैं। कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी दूर हो जाएगी, विधायक की जगह नया चेहरा आएगा तो लोगों की नाराजगी दूर हो जाएगी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी क्या विधायक के खिलाफ होती है या मंत्रियों के खिलाफ होती है? मंत्रियों के खिलाफ तो कुछ हद तक होती भी है, या फिर सरकार के खिलाफ होती है? एंटी इनकम्बेंसी तो सरकार के खिलाफ होती है, मुख्यमंत्री के खिलाफ होती है। तो ऐसे में अगर एक विधायक का टिकट आप काट देंगे तो उससे एंटी इनकम्बेंसी किस हद तक, कितनी दूर हो सकती है, ये सोचने की बात है। आखिर बीजेपी के संदर्भ में बात करें तो जहां केंद्र में मोदी सरकार है, जहां राज्यों में बीजेपी सरकार है, जहां पर चुनाव होते हैं, तो आमतौर पर बीजेपी के तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े नेता, छोटे नेता सब कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी तो रफ्तार भी तेज होगी। और अगर आप हारने की स्थिति पर या हार जाते हैं या बहुमत अपने बल पर नहीं जुटा पाते हैं तो क्या ये डबल इंजन की सरकार का डबल फेलियर नहीं होगा? तो क्या इसमें एंटी इनकम्बेंसी, जब डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो डबल एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, केंद्र सरकार की अलग और राज्य सरकार की अलग, और इसका मुकाबला एक विधायक का टिकट काटने से कैसे हो जाए? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया है। मैं 35-35 साल से राजनीति को कवर कर रहा हूँ पत्रकारिता में रहते हुए। हमारे समय में कहा जाता था कि सिटिंग गेटिंग, यानी जो पिछली बार विधानसभा चुनाव जीता उसको तो टिकट मिलना ही मिलना है, तय है, उसके लिए तो बात भी नहीं होती, पार्टी में कोई पैनल भी नहीं बनाया जाता उस सीट पर, सिटिंग गेटिंग चलेगा। बाद में ट्रेंड चेंज हुआ कि सिटिंग गेटिंग नहीं चलेगा, यानी आप निवर्तमान विधायक हैं, सिटिंग MLA हैं, तो आपको गेटिंग हो जाएगा, टिकट भी गेट हो जाएगा, ये गारंटी नहीं। तो इससे चीजें बदली। एक बार मुझे ध्यान है अशोक गहलोत की सरकार थी, फिर चुनाव हो रहे थे, अशोक गहलोत ने भी बहुत से विधायकों के टिकट काटने की बात उस समय चल रही थी, तो उसका हम लोग बात कर रहे थे तो अशोक गहलोत ने कहा था कि औपचारिक बातचीत में कि देखिए विधायकों के टिकट काटने से ना बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, ये पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात।
होता ये है कि एंटी इनकम्बेंसी इस हद तक दूर नहीं हो पाती, फिर कुछ विधायक बागी बन जाते हैं, कुछ मतलब उम्मीदवार पार्टी के कार्यकर्ता या जो पिछले विधायक होते हैं वो बागी बन जाते हैं, बगावत पर उतर आ जाते हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं, अपने इलाके में अपना जो जाति का वोट होता है उसको भितकाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर जितना फायदा होता है उतना नुकसान हो जाता है। कुछ विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, वहां से जीत कर आ जाते हैं, तो फिर स्थायी किस्म की अदावत हो जाती है। तो ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन आज के संदर्भ में अगर उनसे यही सवाल पूछा जाएगा तो वो दूसरा जवाब देंगे। हो सकता है वैसा ही जवाब दें जैसा बीजेपी उत्तर प्रदेश में खबरें जो आ रही हैं उसके हिसाब से करने जा रही है, या गुजरात में करने जा रही है, दूसरी पार्टियां करती रही हैं। यहाँ देखिए राजनीति किस कदर बदली है। एक तो सिटिंग गेटिंग नहीं चलेगा, हर पार्टी 30%, 40%, 50% पर टिकट बदल दे, टिकट काट देती है। अभी आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर जब विजय रूपाणी को हटाया गया, भूपेंद्र को जो पटेल को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, तो पूरा मंत्रिमंडल ही नया कर दिया गया। विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनसे शायद कोई सीख बीजेपी लेने की कोशिश की। विजयन ने तो भारी प्रयोग किया, कह दिया विधानसभा चुनाव से पहले, और विधानसभा चुनाव जीते विजयन। लगातार दूसरी बार केरल में बहुत समय बाद परंपरा को तोड़ा। पहली बार परंपरा टूटी कि हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती थी, इस बार नहीं बदली, रिपीट हो गई वाम मोर्चे की सरकार। विजयन ने प्रयोग किया, विजयन ने कहा कि लगातार 2 बार जो चुनाव जीते हैं इस बार टिकट ही नहीं मिले, कर लो बात, न बजेगा बांस न बजेगी बांस। फिर कहा कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो कहा जो पिछली बार मंत्री बना था इस बार मंत्री नहीं बनाएंगे। उसमें जो एक महिला मंत्री थी जो कोरोना काल में बहुत अच्छा काम कर रही थी, उनके तो रिपीट होने की बात कही जा रही थी, उन तक को मंत्री नहीं बनाया गया, वो अभी भी विधायक हैं सिर्फ। तो एक प्रयोग ये भी किया विजयन ने अंदर, और एक प्रयोग अब आपको कह ही दिया कि 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की बात करके प्रियंका गांधी कर रही हैं। सिटिंग गेटिंग नहीं चलेगा, इसको पहली बार मुझे लगता है बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर बीजेपी लेकर आई। एक प्रयोग बीजेपी ने गुजरात में किया कि नया मंत्रिमंडल, नया मुख्यमंत्री, पहली बार का मुख्यमंत्री, पहली बार के विधायक मंत्री बनेंगे, लाल बत्ती की गाड़ी मिलेंगी, पुराना कोई नहीं होगा, एक प्रयोग ये हुआ। तो ये प्रयोगवादी राजनीति है, और इस प्रयोगवादी राजनीति में अगर आपका प्रयोग सफल हो जाता है तो आप सुरमा कहलाते हैं, कुशल रणनीतिकार कहलाते हैं, आपकी जय जयकार होती है, और अगर आपका प्रयोग पिट गया तो ठीकरा सामूहिक रूप से कार्यकर्ताओं के सर टूट जाता है। शुक्रिया आप सब, बहुत बहुत शुक्रिया।